Hello to all my dear students. Hope you are all doing well. So I'll be using the language that you all have preferred. So without wasting any of your time, I will directly come on to the things. Okay. Okay. Yeah. Ma'am, is it visible? Yes, it is. My presentation visible? Yes, ma'am. Okay. So whatever Jyoti has said, I totally agree with all these things because I have been through a student life and I know about all this expense and income, whatever Jyoti has said. So as a student, I would like, I have been a student, so I would like to tell you all, please pay attention to this thing and see what can work best for you. So if I tell you, when I cleared my CA, there was no as such online classes criteria because we had satellite centers, but as such the online criteria came quite later. So if I would have been at your end, I would have definitely preferred it because you just have to sit at home and you can study as per your convenience. It doesn't matter, like you will get all the requirements that you need as a student from your home, and at the same time you can study. I think ye sabse best combination hoga ki aapko ghar bhi mil raha hai plus aapko coachings bhi mil rahi hai, and that too sitting at your home. Aapka jo travel time hai wo sab, like you guys can save. So let me come on to my subject now. Okay, so okay guys, first of all I would like to say you all, चाहे आप अभी सुपर प्रॉफ पे एसोसिएटेड हैं चाहे आप नहीं हैं, आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कोर्स आप करें, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, आप दूसरों के परसेप्शन से अपना परसेप्शन मत बनाइए. लाइक कि अगर आपके घर में सपोज आपका कोई ब्रदर है या आपका कोई कजन है, आपकी सिस्टर है, सपोज उन्होंने ऐसा कोर्स किया एंड इफ दे क्लियर्ड इट इन 4 or 5 अटेम्प्ट्स या उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप अपनी ऐसी प्री कंसेप्शन मत बनाइए कि ये कोर्स ऐसे ही होता है. लाइक दिस इज हाउ इट इज. सी एवरीबॉडी हैज देयर ओन एक्सपीरियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप में भरोसा रखिए कि लाइक यू कैन डू इट, बिकॉज ऐसा नहीं है. देखिए जितने ज्यादा फेलियर इस कोर्स में, इन सब कोर्सेज में, उतने ज्यादा सक्सेस भी हैं. सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक ये माइंडसेट बना लेना चाहिए कि मुझे किसी और के माइंडसेट से नहीं चलना है कि ये मुश्किल है या ये इजी है. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं अपने दिमाग से चलूंगा. लाइक क्या मुझे ये कोर्स मुश्किल लग रहा है या मुझे इजी लग रहा है, एंड मुश्किल है तो यू हैव गाइडेंस फ्रॉम ऑल द फैकल्टीज कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बट प्लीज दूसरों के हिसाब से अपना माइंडसेट इस कोर्स में बिल्कुल भी मत बनाइए. ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये कॉलेज स्टडी नहीं है. आपको यहाँ पे अपने फैकल्टीज से पढ़ना है और अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स देने हैं. तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर पहले वो कॉन्फिडेंस लाइए कि यू कैन डू इट. ओके, सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था. वेल सेड बाय स्वामी विवेकानंद, ऑल द पावर इज विद इन यू. जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनोगे. सो प्लीज अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाइए दैट यू कैन डू इट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द ऑडिट सब्जेक्ट, इफ आई से कि ऑडिट क्यों है या ऑडिट का रेलिवेंस क्या है, इफ यू आर स्टडिंग मेजरली ऑल ऑफ यू मस्ट बी स्टडिंग द ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इट कम्स एट द इंटर लेवल, राइट. सो टू जस्ट टू टेल यू इन ब्रीफ, द वे वी हैव अ केयर टेकर. सपोज एट होम इफ आई टॉक टू यू अबाउट द वर्क ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड, What will you say? You will say कि जो हमारे घर की रखवाली करते हैं, right? So अगर हम उसी तरीके से बात करें हमारे नेशन के वेल्थ की, हमारे देश के पैसे की, हमारी हर कंपनी के वेल्थ की, ऑडिटर्स क्या है बेटा? उन सब के कस्टोडियंस. कस्टोडियंस माने जो उस पैसे की रखवाली करते हैं. कि अगर आज आपने एक कंपनी में पैसा लगाया है, अगर आज आपने एक कंपनी में पैसा लगाया है तो क्या जिस इंफॉर्मेशन को देख के आपने वो पैसा लगाया है, क्या वो इंफॉर्मेशन आपको सही मिली है या वो इंफॉर्मेशन आपको सही नहीं मिली है. सो टू सम दिस अप, आई हैव
Just to summarize it, auditors can be called as the caretakers of the economy's wealth. जैसे आपने एक रिलायंस में पैसा लगाया, आपने इंफोसिस में पैसा लगाया, अब देखिए आपको तो मालूम नहीं होगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म करे, हाउ इज इट वर्किंग. सो आपको कैसे पता चलेगा कि जहां पैसा मैंने लगाया है क्या वो सोर्स सही है या वो सोर्स सही नहीं है, वो कैसे पता चलेगा आपको बेटा? क्योंकि आपको मिलेगी ऑडिटर रिपोर्ट. अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट में लिखा है कि कंपनी की जो वर्किंग है इन माय नॉलेज और एज पर माय ओपिनियन सही है, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट कंपनी. अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया दैट दिस कंपनी इज नॉट वर्किंग वेल, तो अकॉर्डिंगली बेटा आपको समझ जाना चाहिए कि इस कंपनी की जो इंफॉर्मेशन बाहर से दिख रही है और एक्चुअल में जो पोजिशन है उसमें देयर इज अ गैप. ओके, अभी तो हमारा जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है उसमें लाइक देयर आर सो मेनी न्यू प्रोविजंस दैट हैज बीन एडेड टू एनहांस द रोल ऑफ एन ऑडिटर. क्योंकि ऑडिटर्स के बहुत सारे फ्रॉड भी देखे गए हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सहारा स्कैम, द सत्यम स्कैंडल. इन सब में बेटा हुआ क्या था, ऑडिटर ने अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको सही से प्रोवाइड नहीं किया. इसकी वजह से क्या हुआ, नेशन का वेल्थ उसके उसके जो बहुत सारे लोगों ने बेटा अपना पैसा खो दिया. इसी वजह से अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट 2013 में ऑडिटिंग प्रोविजंस को लेके गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि आज आपने एक फ्रॉड किया, चाहे लेट इट बी इन द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, लेट इट बी इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, लेट इट बी इन सीएमए कोर्स, अगर आपने एज एन ऑडिटर कोई भी गड़बड़ की तो बेटा यू विल डायरेक्टली बी, आपको डायरेक्टली इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों चीजें. सो चाहे आज आप सीए का कोर्स कर रहे हैं, सीएमए का कोर्स कर रहे हैं, सीएस का कोर्स कर रहे हैं, नोइंग द बेसिक्स अबाउट एन ऑडिट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जस्ट नॉट फॉर यू. प्लीज अगर देखिए कोई भी सब्जेक्ट बेटा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि मुझे अपने पेपर पास करने हैं, तो देखिए उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत कम होगा. पर उसी सब्जेक्ट को बेटा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि इट विल एनहांस माय नॉलेज फॉर द प्रोफेशन जिसमें मैंने अभी अपने आप को डाला है, तो बेटा आपका उस सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा. सो प्लीज हर सब्जेक्ट को ऐसे कीजिए कि इससे आपको कोई नई लर्निंग होने वाली है. ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ स्टडी अप्रोच. ओके, सो अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स करते हैं बेटा, तो सबसे पहली चीज होती है उसमें एटलीस्ट दैट आई बिलीव इज योर ओन डिसिप्लिन. क्योंकि यहाँ पे आपका एक रेगुलर टाइम तो है नहीं, लाइक यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग, यू हैव टू कम बैक इन द इवनिंग. ये आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया बेटा, तो इसको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने की कोशिश कीजिए कि अगर ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है तो डिसिप्लिन आपको अपना खुद बनाना होगा. क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको पढ़ेंगे बेटा तो इट विल वर्क इन फेवर ऑफ यू. बट अगर आप अपना डिसिप्लिन ठीक से नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं बाद में कर लूंगा, इसको बाद में कर लूंगा, पेपर आएंगे जब देख लूंगा, नहीं, तो जो जिस माइंडसेट के साथ सैटेलाइट सिस्टम या फिर अगर ऑनलाइन कोर्स को लेके आया गया था बेटा, आप उसको अगर समझोगे तो बेटा आपको समझ आएगा ये आपकी कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए, ना कि आप नहीं है तो आप पीछे रह लो. तो यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ काम करेगी, आपका डिसिप्लिन प्लस हमारा आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करना. तो अगर दोनों चीजें साथ में चलेंगी बेटा तो देखना इसका जो मोटिव है बिहाइंड प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन क्लासेस एट होम वो पूरा हो जाएगा. नंबर टू इज योर 100% कॉन्सेंट्रेशन. सिंस फैकल्टी इज नॉट फेस टू फेस विद यू इफ आई से, सो बेटा यहाँ पे आप लोगों का 100% कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखिए बेटा अब आपका स्कूल टाइम खत्म हो चुका है, अब आप हो एक प्रोफेशनल कोर्स में, एंड 100% कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट जस्ट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अगर आज आप बेटा ऑफलाइन पे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज में आई बिलीव स्टूडेंट का 100% कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर वो कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं है तो लाइक फैकल्टी बेटा इसमें कुछ नहीं कर सकता. कॉन्सेंट्रेशन फैकल्टी का काम है, आपको पढ़ाना, आपको गाइडेंस देना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना. उसके बाद का काम बेटा किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में रहने वाला है आपके एंड पे कि आपने कितना अपना क्लास में कॉन्सेंट्रेशन को रखा है. प्लस इसका बेनिफिट टू क्या होगा, अगर आपका क्लास में 100% कॉन्सेंट्रेशन होगा कि आपका जो घर पे पढ़ने वाला टाइम है वो कम हो जाएगा. अगर आपने क्लास में आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा है तो आप खुद से देखना, आप उसी सब्जेक्ट को जब घर पे उठाओगे व्हेन यू विल पिक इट एट होम यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. आपको लगेगा लाइक आई एम एबल टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग.
क्योंकि क्यों मैंने आज ही इसको अच्छे से पढ़ा है, तो आप घर पे हार्डली इट विल टेक योर 10-15 मिनट्स टू रिवाइज द होल लेक्चर. ओके, नंबर 3, राइट योर डाउट्स इन केस यू गेट स्टक. आई बिलीव कि बच्चों को जो एक डाउट रहता है कि इन ऑनलाइन ऑनलाइन सेशन में हम लोगों का डाउट क्लियरेंस कैसे होगा. बेटा आपको सारे ईमेल आईडी, सब फोन नंबर, सब कुछ प्रोवाइडेड है. व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर अटेंडिंग योर लेक्चर, यू जस्ट हैव टू राइट योर डाउट इन योर नोटबुक. एंड उसके बाद जैसे जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो सुपर प्रॉफ्स के थ्रू हो या फिर आपको फैकल्टीज के ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ प्रोवाइडेड है, यू कैन देन ईमेल अस. आपका डाउट क्लियरेंस 110% होगा. उसके बाद बेटा आई टोल्ड यू, यू हैव टू रिवाइज एट योर एंड एट होम, तभी उस चीज का फायदा है करने का. अदरवाइज बेटा अगर आप सिर्फ क्लासेस देखोगे और लास्ट में सब कुछ उठाओगे तो ये पर्पज आपका सॉल्व नहीं करेगा. ओके, सो बच्चे जो पूछते हैं सेल्फ स्टडी अप्रोच क्या है बेटा, इसमें सिर्फ बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, लाइक टू गो आफ्टर द शॉर्टकट्स एंड ऑल. सिर्फ आपकी मेहनत, आपका स्मार्ट वर्क काम करेगा, और वो तभी काम करेगा जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ना वो होगी 110%, एंड प्लस आप अपना कोई भी लेक्चर जो है वो स्किप नहीं करेंगे. ओके, एंड देन एट द एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस योर प्रीवियस पेपर्स. आपको अपने पुराने पेपर्स करना बहुत जरूरी है बेटा, एंड हाउ इट विल हेल्प यू, आपको मालूम लगेगा कि लाइक आपका इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या है. बहुत बार ऐसे होता है हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया पर अगर हमें यही नहीं पता कि इस चैप्टर में से इंस्टीट्यूट कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो चैप्टर करने का आपका जो मकसद है बेटा वो पूरा नहीं होगा, उसका पर्पस पूरा नहीं होगा अगर आपको ये नहीं क्लियर होगा कि इंस्टीट्यूट किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, एज आई टोल्ड यू बेटा, यू आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स नाउ, अब आपके क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे नहीं. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे आपका कोर्स खत्म होता है यू गो फॉर द प्रीवियस पेपर्स एंड सी इंस्टीट्यूट कैसे आपको क्वेश्चन पूछने वाला है. ओके, यू कैन प्रैक्टिस योर प्रीवियस पेपर्स, यू कैन प्रैक्टिस योर आरटीपीज, मॉडल टेस्ट पेपर्स, स्कैनर्स, जो आपको पसंद हो आप उसमें से कुछ भी उठा सकते हैं. एंड इफ यू गेट स्टक एनीवेयर यू कैन ड्रॉप अस एंड क्वेरी फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट, ऑडिट एज अ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑडिट बेटा एक थ्योरी सब्जेक्ट है. अगर बात करें थ्योरी सब्जेक्ट की, तो थ्योरी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये लगता है कि दैट इट इज नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. इफ आई टेल यू अबाउट माय सीए जर्नी, आई थिंक आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड मच मोर इन अ थ्योरी सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल पोर्शन. व्हाई? बिकॉज बेटा थ्योरी सब्जेक्ट में आपका बेनिफिट क्या है, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया, उसके साथ साथ सिर्फ आपको चाहिए बेटा एक अच्छी प्रेजेंटेशन. अब एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्या है वो आपके साथ क्लासेस में डिस्कस होंगी कि आपको अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है. क्योंकि बेटा थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे मार्क्स उन बच्चों के नहीं आते हैं जिनका बेटा या तो कॉन्सेप्ट वीक होता है या उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, दो बच्चों ने बेटा बिल्कुल सेम आंसर लिखा है कॉन्सेप्चुअल टर्म्स में, दे बोथ आर क्लियर इन द सेम सेंस, बट प्रेजेंटेशन अगर उन दोनों का डिफरेंट होगा ना बेटा, एक का प्रेजेंटेशन अच्छा है एक का प्रेजेंटेशन खराब है, तो बेटा जो जिस बच्चे का प्रेजेंटेशन अच्छा है ना institute will give more marks. क्योंकि बेटा as a professional it is very important for you all कि जो चीज आपको मालूम है you can make it clear to your client. and आप अपने clients से बेटा हर चीज oral form में तो बात करेंगे नहीं, बहुत सारी चीजों में आप उन्हें अपना आप अपनी जो बात है उन्हें documents के through समझाएंगे. and अगर आपको वहां पे आपका documentation अच्छा होगा तभी client आपको बेटा बहुत काम देगा, plus वो आपसे खुश होगा कि हाँ अब मालूम लग रहा है कि वो एक अच्छी प्रोफेशनल सर्विस ले रहा है. ओके, सो थ्योरी सब्जेक्ट में बेटा आपका कॉन्सेप्ट प्लस आपकी प्रेजेंटेशन अगर दोनों अच्छी है तो प्लीज डोंट गो आफ्टर ऑल दीज मिथ्स की थ्योरी सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता है, थ्योरी सब्जेक्ट में तो नंबर आते नहीं है बेटा. ये सब सिर्फ उन बच्चों की बातें हैं बेटा जिनका प्रेजेंटेशन पे जिन्होंने कभी फोकस नहीं किया है. सो अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है आई कैन गारंटी यू अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा इधर उधर भी आपने लिख दिया ना, जो आपका पेपर चेक कर रहा है बेटा उसका अगर शुरू के एक दो क्वेश्चन पे उनका हाथ सेट हो गया, लाइक अ स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड वेल इन द फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस, ऑटोमेटिकली देन दैट पर्सन वुड बी ऑफ द माइंडसेट कि बच्चे का प्रेजेंटेशन अच्छा है. तो अब अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फ्लॉ भी होगा ना तो इंस्टीट्यूट आपको उसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो. एंड दिस वर्क्स इन द अगर मैं कहूँ तो बेटा ये नेगेटिव वे में भी काम करता है. अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है और आपने कॉन्सेप्ट सही लिखा है तो वहां भी आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ज्यादा है.
ओके. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट्स मेक इट रेलेवेंट. एज आई टोल्ड यू बेटा, आपका जो ये कोर्सेज है आपके, चाहे वो सीए है, सीएस है, सीएमए है, बेटा ये डायरेक्टली ऑल दीज कोर्सेज आर रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी. ओके, सो जैसे जैसे एंड यू ऑल नो हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, तो हमारे कंट्री में डे टू डे एवरी डे आप देखेंगे तो चेंजेस आ रहे हैं. और अगर आप हमारे सब्जेक्ट्स देखेंगे, हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं बेटा, दे ऑल आर वेरी डायनामिक. लेट इट बी टैक्स, लेट इट बी ऑडिट, लेट इट बी लॉ, लेट इट बी अकाउंटिंग, बिकॉज वी आर मेकिंग आर ऑल दीज एक्ट्स एट अ ग्लोबल लेवल. सो सबके सब सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट्स आना इज वेरी नॉर्मल. बच्चे बहुत बार इस चीज को लेके टेंस रहते हैं कि अमेंडमेंट्स आ गए हैं तो अब हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा. बेटा अमेंडमेंट्स इज अ समथिंग, बिकॉज अगर आप सी ए बन गए, सी एस बन गए, सी एम ए बन गए, एंड इफ यू हैव नॉट मेक, इफ यू विल नॉट मेक योर सेल्फ दैट मच फ्लेक्सीबल कि आप अमेंडमेंट्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो बेटा देर इज नो पॉइंट, क्योंकि अमेंडमेंट्स तो हर साल आएंगी ही आएंगी. तो प्लीज बी कंफर्टेबल विद ऑल दीज थिंग्स. उनमें कुछ भी नहीं होता है, थोड़े बहुत लिमिट्स चेंज होते हैं, थोड़े बहुत प्रोविजन में, और वो भी हमेशा प्रोविजन को बनाया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी. ओके, सो अगर आप अमेंडमेंट्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पढ़ेंगे बेटा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. प्लस एज आई टोल्ड यू, आपको समझ आएगा लाइक यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री. ओके, एंड स्कोरिंग एज आई टोल्ड यू, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है बेटा और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फ्लॉबी है तो आपको देयर इज अ चांस कि आपको फिर भी मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे. ओके ओके, आई थिंक आई हैव discussed almost all these things about what general impressions students have, like complicated hote hain theory subjects, bahut bade hote hain, yaad nahi hota hai kuch, bahut zyada bacche fail hote hain theory subjects ki wajah se beta. At least I don't believe in all these. I don't say like ki jaisa main kehti hu aap bilkul waisa hi mano. I can just give you my view about it. Jaisa maine apne pure CA duration mein dekha hai बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक थ्योरी सब्जेक्ट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आई एम नॉट एट ऑल बायस्ड फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स कि थ्योरी अच्छा है कि प्रैक्टिकल खराब है. बेटा दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना अपना रिलेवेंस है. अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना तो थ्योरी सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छे लगेंगे और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छे लगेंगे. कुछ भी बड़ा नहीं है बेटा. अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स में है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका सिलेबस होगा जैसा आपने 11th में पढ़ा, जैसा आपने 12th पढ़ा. बेटा देर आर सो मेनी कोर्सेज जहाँ पे आप इजिली पढ़ाई करके पास हो सकते हैं. अगर आपने एक अच्छे प्रोफेशन को चूज किया बेटा तो देयर दिस इज वेरी नेचुरल कि जो उसका कोर्स है वो डिजाइंड ऐसे होगा कि हाँ वो आपकी नॉलेज को एक बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करेगा. और अगर आपको बेटा कुछ अच्छा चाहिए जिंदगी में तो उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड. कोई भी अच्छी चीज आसानी से तो बेटा मिलेगी नहीं ना. तो सिलेबस वास्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज योर प्रोफेशन डिमांड्स इट. अगर आज आप एक सीए हैं एंड आपको टैक्स के बारे में नहीं पता, आपको ऑडिट के बारे में नहीं पता, देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ, अगर मैं बात करूं जो हमारा आज के टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट में चाहिए, अगर आप में वो नॉलेज नहीं है तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, डिफिकल्ट टू रिमेंबर का ऐसा कुछ नहीं है. डिफिकल्ट टू रिमेंबर बेटा प्रॉब्लम वहां आती है वेयर यू ट्राई टू क्रैम अ कॉन्सेप्ट. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, कुछ कुछ जगह आपको मेमोरी टेक्निक्स भी दी जाती है, फैकल्टीज प्रोवाइड करती है बेटा आपको. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा तो फिर उसके बाद रिमेंबरेंस वाली बात ही नहीं आती. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि आपके जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स हैं दे आर मोर नाउ केस स्टडी बेस्ड. उसमें आपका कॉन्सेप्ट एज एसेस डेफिनेशन वाला पोर्शन अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. इंस्टीट्यूट अब आपकी नॉलेज को ज्यादा टेस्ट करना चाहता है एज कम्पेयर टू कि आप याद कितना कर पा रहे हो. आपको आज पता है सपोज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ कंसीडरेशन. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बट इनकी जो, अगर आप देखोगे इनकी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे, आपको केस स्टडी क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे जहां आपसे इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा होगा कि कंसिडरेशन समझाइए, दैट व्हाट इज अ कंसिडरेशन. ओके, सो बेटा डिफिकल्ट टू रिमेंबर भी वंस अगेन आई वुड से कि उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जो बेटा उन चीजों को क्रैम करने की कोशिश करते हैं. अगर आपने चीज को समझ लिया बेटा, एंड सेकेंडली आप इन सब्जेक्ट्स में आप लॉ का लैंग्वेज पढ़ते हैं,
आई से टू माय लॉ स्टूडेंट जो मुझसे क्लासेस ले भी रहे हैं, आई से टू देम, बेटा आपको एग्जाम में लॉ का लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको लॉ को समझना है, एंड देन यू हैव टू फ्रेम इट इन योर ओन लैंग्वेज. आपको वहां पे लॉ की भाषा यूज नहीं करनी है. सिर्फ कुछ कीवर्ड्स होते हैं बेटा, सपोज इफ आई से अबाउट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे शब्द है बेटा जो अगर आप समझेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी माइंड मेमोरी में वैसे ही चले जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपने लॉ समझ लिया, उसका इम्प्लीकेशन समझ लिया, उसकी केस स्टडीज को समझ लिया बेटा, देन आपको जस्ट यू हैव टू फ्रेम इट इन योर ओन लैंग्वेज, प्लस जो प्रेजेंटेशन के स्टेप्स है जो कि आपके थियोरी सब्जेक्ट के जो भी फैकल्टीज है या आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जो भी फैकल्टीज है, एंड अगर अभी तक उन्होंने आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं किया, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज ऑन इट कि आपको ये चीज चाहिए. ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द सीए का इंटर का सिलेबस, उसमें आपके ये सब सब्जेक्ट्स, आपके जो ऑडिट का पेपर नंबर 6 है फॉर 100 मार्क्स, ये सारे बेसिक चैप्टर्स हैं. अगर आप इन सब चैप्टर्स को ऊपर से भी देखेंगे बेटा, फॉर द नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ऑडिट स्ट्रैटेजी, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, फ्रॉड, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट सैम्पलिंग, बेटा ये सारे अगर आप देखेंगे बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं अबाउट द ऑडिटिंग, जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट व्हाट ऑल इज ऑडिटिंग. उसके बाद आप देखेंगे जैसे आप सीए फाइनल लेवल पे चले जाएंगे, आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स का और एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा. इफ आई गो बाय द नेम, नेचर ऑफ ऑडिट, मीनिंग ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, यहाँ इंस्टीट्यूट बेटा आपको सिर्फ अवेयर कराना चाहता है अबाउट योर ऑडिटिंग सब्जेक्ट. आपके नाम में ही है बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे मेन काम है दैट इज ऑडिटिंग. ऑडिटिंग मतलब यू हैव टू मेक योर ओपिनियन ऑन द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन, क्लाइंट्स बैलेंस शीट, क्लाइंट्स पीएनएल अकाउंट. तो आपके इंटर लेवल पे बेटा व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, आपको इन सब का एक बेसिक नॉलेज दिया जाएगा. ओके, उसके बाद आप देखेंगे फ्रॉड. यू कैन सी हियर द वर्ड फ्रॉड, यहाँ आपको दिख रहा होगा बेटा फ्रॉड वर्ड. आई टोल्ड यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स हुए हैं, चाहे वो सत्यम स्कैंडल हो, चाहे वो सहारा स्कैंडल हो, और भी जो बहुत सारे स्कैंडल्स हुए बेटा, उनमें जो फ्रॉड किया गया है हमारे सिलेबस में, उनके ऊपर चैप्टर्स डाले गए हैं कि एज एन ऑडिटर एक ऑडिटर की फ्रॉड के कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है, अगर आपको फ्रॉड मिल गया है तो आपको उस फ्रॉड को कैसे असेस करना है, एंड अकॉर्डिंगली अपने शेयर होल्डर्स को कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. इसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट. बेटा आपको जैसे कि मालूम होगा, अब हमारे चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, सब हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है. सो अगर आप एक अकाउंटेंट हो, चाहे वो आप एक कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में हो बेटा, अगर आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपनी फील्ड को, अपने प्रोफेशन को नहीं बढ़ाया, तो आप देखेंगे बेटा आज से 5 या 10 साल के बाद आपका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा. तो इसीलिए ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस अपनी जगह है कि सिंस कंपनीज ने अपना पूरा सिस्टम को टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो इसीलिए जो ऑडिटर का नॉलेज भी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो इन चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि अगर क्लाइंट आपको सारी इंफॉर्मेशन थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, देन हाउ यू हैव टू डू योर ऑडिट. उसके बाद सैम्पलिंग. सैम्पलिंग में ये सब हम जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में जाएंगे बेटा, हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग क्या होता है, ऑडिटर को सैम्पलिंग कैसे करना होता है, सैम्पलिंग करने के बाद जितने भी उसने अपना इंफॉर्मेशन थ्रू सैम्पलिंग कलेक्ट किया है, कैसे उन सब पे ऑडिट करना है. ओके, यू कैन सी देन यू हैव मॉड्यूल नंबर 2. ओके, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड मीन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, योर बैलेंस शीट. सो इन ऑल दीज वी विल टॉक इन डिटेल कि पीएनएल या फिर बैलेंस शीट की किसी भी आइटम को कैसे ऑडिट किया जाता है. ओके, सो वी विल टॉक इन डिटेल कैसे स्टॉक का ऑडिट होने वाला है, कैसे एक्सपेंसेस का ऑडिट होने वाला है, कैसे इनकम का ऑडिट होने वाला है, कैसे एसेट्स का ऑडिट होने वाला है, कैसे लायबिलिटीज का ऑडिट होने वाला है. ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज. कंपनी ऑडिट को बेटा एक इसीलिए अलग से बनाया गया है क्योंकि वी हैव अ सेपरेट एक्ट ऑन इट, कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे ऑडिटर को सारे प्रोविजंस से अवेयर कराया गया है कि एज एन ऑडिटर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन यू आर ऑडिटिंग अ कंपनी. ओके, देन वंस यू आर डन विद योर ऑडिट, उसके बाद बेटा आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट
the finding आपको उस audit report में डालना होता है, okay? Then we will study about audit of banks and audit of different entities. In audit of different entities, आप देखेंगे बहुत सारे hospitals, schools, colleges, इन सब का audit. एक basic knowledge about of all these entities आपको दिया provide किया जाएगा. अगर आप देखें बेटा institute का pattern बहुत अच्छा बनाया गया है कि at inter level आपको एक basic information about your audit subject और plus आपको बहुत मजा आएगा because you will be studying about this subject for the first time. और सीए स्टूडेंट्स क्योंकि अभी तक आपने नहीं पढ़ा एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट सब्जेक्ट का नॉलेज बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ओके इसी तरह बेटा अगर हम देखें सीएमए के इंटर में पेपर नंबर जो 12 है दैट इज फॉर 50 मार्क्स उसका अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आपको सेम चीजें मिलेंगी जैसा हमने यहाँ सीए के बेसिक टॉपिक्स में देखा है सीए के मॉड्यूल 1 में देखा है. हम सीएमए में भी सेम ही चीजों को देखने वाले हैं. After that, what all we have in CMA syllabus is provisions related to audit under Companies Act. I told you, Companies Act, जो हम CA के syllabus में पढ़ने वाले, the same is there for the CMA subject as well. So, वो सारा portion almost the same. Okay, बेटा? क्योंकि as an auditor, your role is going to be same. So, at a CMA level, at a CA level, at a CS level, आपको basic understanding इसका होना बहुत जरूरी है. Okay? If you have any doubt, you can ask me now. Okay guys, if you have any doubt, you can ask me now. Okay, so you can just leave your questions on chat so that we can answer all your questions. And then I'll move ahead with my PPT and to make you more aware about your subject. Okay, any doubt guys, you can drop through a chat or you can speak. Okay, so we'll have a Q&A session as well. You can take your doubts there as well. Okay, moving ahead, then we have reference books. This is the list that I think is one of the best. Else you have your choice, beta. Paduka handbook I have myself done in my CA curriculum. These books are very good. इनमें आपको direct questions मिलेंगे, past papers मिलेंगे, concept में आपको law मिलेगा plus उसका proper analysis मिलेगा. तो Paduka handbook is very good if you want to practice case studies at home. ये आपको book बहुत easily कहीं पर भी मिल जाएगी बेटा. Amazon, Flipkart, ये आपको law के subject के लिए, audit के subject के लिए almost this book is available for all the subjects. Okay, so you can try for the Paduka handbook. Okay. Then you have Surbhi Bansal book. यहाँ पर भी आप अगर आप कोई भी subject को summary form में पूरा revise करना चाहते हैं बेटा, Surbhi Bansal handbook is also very good book. I have done in my CA journey as well for the audit subject. For the अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बेटा सब चीजें, चाहे वो concept है, चाहे वो standards on auditing है, सब आपको बहुत summarized form में मिल जाएंगे बहुत easily. उसके बाद आपके तुलसियान की सीएमए के लिए क्विक रिवीजन बुक आती है बेटा, यू कैन रेफर दिस बुक आल्सो फॉर योर प्रैक्टिस एट होम सो दैट आपको मालूम लगे कि केस स्टडीज के क्वेश्चन किस टाइप के इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है. और उसके बाद वी ऑल हैव इंस्टीट्यूट बुक्स बेटा. देखिए इंस्टीट्यूट की बुक्स को करने का क्या बेनिफिट होता है, इंस्टीट्यूट की बुक्स को करने का ये बेनिफिट होता है बेटा क्योंकि इंस्टीट्यूट का पेपर इससे बाहर कभी नहीं आएगा. एंड प्लस इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम का जो लेवल होगा उसमें क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा होगा देयर इज लाइक 75-85% चांस कि वो जो क्वेश्चन होगा वो इंस्टीट्यूट की बुक का होगा या इंस्टीट्यूट के ही कॉन्सेप्ट में जो एग्जाम्पल दिया होगा उसमें से पिक किया होगा. सो इंस्टीट्यूट की बुक करने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिस बच्चे ने इंस्टीट्यूट की बुक किया है सो देयर इज अ चांस कि आपने जो एग्जाम्पल्स वहां पे देखे हैं, वहां पे पढ़े हैं, सो देयर इज अ हाई चांस कि आपको वैसे ही एग्जाम्पल्स जो है अपने पेपर में मिल जाए. ओके सो लाइक प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, हाउ टू अटेम्प्ट अ थ्योरी पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बेटा इसमें मेरा ऐसा मानना है फॉर योर थ्योरी सब्जेक्ट अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, you should always divide such questions into four parts. Okay, you should always divide such questions into four parts. अगर मैं बात करूं
उसमें आपका नंबर वन होना चाहिए व्हाट इज द गिवन केस, कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन में जो मेजर क्रक्स है आप उस गिवन केस को एक या दो लाइनों में समझा दीजिए, सो दैट एग्जामिनर के ऊपर बेटा डायरेक्ट इम्पैक्ट जाने वाला है कि आपको क्वेश्चन तो 100% समझ में आ गया है. ओके या स्टूडेंट्स हु आर सब्सक्राइब फ्रॉम माय क्लासेस, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हेन हम जब क्लासेस करेंगे बेटा, हम उसमें जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी. और अगर आप बेटा दूसरे प्रोफेसर से हमारी साइड पे पढ़ रहे हैं तो यू कैन आस्क देम, अगर प्रेजेंटेशन वाइज वो अगर आपको कुछ और चीज समझा रहे हैं यू कैन गिव योर इनपुट्स, और अगर आपको उसमें कोई भी क्वेरी आ रही है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं. उसके बाद नंबर टू आता है आपका प्रोविजन ऑफ लॉ. Provision of law. उसके बाद बेटा आपको समझाना होता है जो भी रिस्पेक्टिव केस स्टडी है उसके बाद आपका लॉ उस चीज में क्या कहता है. ओके आपको लॉ को उस सिचुएशन में समझाना है. अभी आपको यहाँ पे ए बी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कुछ भी नहीं डालना है जो आपके केस में पूछा हुआ है, आपको सिर्फ उस गिवन केस से एसोसिएटेड जो आपका लॉ कहता है उसका प्रोविजन लिखना है. नंबर थ्री आपको डालना होता है बेटा गिवन सिचुएशन. अब आपको बेटा यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सपोज ये गुड्स प्रोवाइड किए उनको बदले इन लियू ऑफ दैट उनको ये कंसिडरेशन प्रोवाइड किया गया, यहाँ आपको इस लॉ को अपनी गिवन सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना होता है. ओके सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन एंड देन एट द एंड यू हैव टू गिव कंक्लूजन. This is the presentation method for the case study questions that institute has prescribed for the CA, CS, CMA students. कि अगर आपका बेटा case study question ऐसे present किया गया होगा तो this is the best way of presenting your case law question. Okay? जिसमें आप given case को समझाएंगे, law का provision क्या कहता है, कोई भी given situation है जो question में दी गई है आपके question paper में लिखी हुई है, आपको उस given situation को law के साथ connect करना होता है. और उसके बाद आपको end में conclusion देना होता है क्या ये contract है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑडिटर की लायबिलिटी होगी या ये ऑडिटर की लायबिलिटी नहीं होगी. ओके सो अगर इफ यू विल अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन दिस वे तो बेटा आप देखना आपका प्रेजेंटेशन वुड बी 100% करेक्ट. अभी आपको इसको देखने में शायद लग रहा होगा कि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. अगर आप एक बार इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखेंगे बेटा इट विल सेव योर टाइम प्लस मार्क्स का गारंटी तो है इस प्रेजेंटेशन के साथ. ओके उसके बाद क्या जो अदरवाइज थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं सपोज इंस्टीट्यूट ने आपसे डायरेक्ट पूछ लिया डिफाइन ऑडिट एंड ऑडिटिंग, वहां पे आप अपना स्ट्रेट अवे क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं कि ऑडिट मींस एंड ऑडिटर मींस. ओके सो वहां पे आप डायरेक्टली अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपने लॉ के थ्रू समझा है प्लस जो भी आपको एग्जाम्पल देना है गिवन कोई आपको केस रेफरेंस देना है वो भी आप दे सकते हैं. ओके उसके बाद बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में व्हाट माय व्यू इज बेटा क्वेश्चन को पढ़िए और अगर आपको पहली बारी में आंसर क्लिक नहीं होता है तो जस्ट आप उसी क्वेश्चन पे स्टक मत रहिए, जस्ट गो आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट है बेटा तो ही उसको अटेम्प्ट कीजिए. अगर आपको लगता है आपको नहीं आता है उसको लास्ट के लिए रख दीजिए, लास्ट में बेटा उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसकी वजह से आपका बाकी का पोर्शन मिस नहीं होना चाहिए. ओके सो उसके बाद हम आते हैं अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में कंक्लूजन की बात करूं बेटा तो एज यू ऑल नो कि अभी सिर्फ हार्डवर्क का टाइम नहीं है, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट एंड बाय स्टडिंग स्मार्ट आई मीन कि यहाँ पे बेटा आपको सिर्फ सब कुछ किताबों को बारी बारी पढ़ने से बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैंने सब कुछ तो पढ़ा था पर फिर भी मेरे नंबर नहीं आए. ओके स्टूडेंट्स को ऐसा बहुत बार लगता है क्योंकि बेटा अगर आप सिर्फ किताब को ही बारी बारी पढ़ रहे हो, आप अपने प्रीवियस पेपर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक से अपने गलतियों को देख नहीं रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो बेटा अगर आपको सारी बुक भी अगर आपको अच्छे से आपको दे पढ़ भी लिए बेटा देन ऑल्सो देर इज अ चांस कि बच्चे रह जाते हैं. तो स्टडी स्मार्ट का मतलब है बेटा आपको अपनी बुक्स अच्छे से करनी है प्लस आपको प्रीवियस पेपर्स को करना है प्लस अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो है. तो उसके लिए आई टोल्ड यू बेटा जो आप प्रीवियस पेपर्स करेंगे आप प्रॉपर अलार्म सेट करके बैठिए फॉर द 3 hours एंड देन सी कि इंस्टीट्यूट का ये पेपर क्या आप 3 घंटे में कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए. एंड सेकंड बी पेशेंट एज आई ऑलवेज से जब बेटा आप पढ़ाई करते हो तो बहुत बार हम
हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर मेरे बहुत सारे मेरे बाकी दोस्त मजे कर रहे हैं सो मुझे सारा टाइम पढ़ना पड़ता है, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो नहीं आता है. बेटा प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल बी पेशेंट. अगर आप आराम से बैठ के असेस करेंगे अपने सारे सब्जेक्ट्स को तो आपको समझ आएगा क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेस है और उन पर आपको कैसे काम करना है. बाकी तो बेटा आई एम श्योर आपके सब फैकल्टीज आपको अच्छे से समझाते हैं उस चीज को. अगर अगर आपको कहीं पर भी उस चीज में लग रहा है लाइक देयर इज अ आप अभी उस लेवल पे अपने फैकल्टी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो बेटा आप हमारी वेबसाइट के थ्रू ये सब चीजें पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सब क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा. एंड प्लस जहां तक बात है बेटा कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं अभी, वो सब मजे कर रहे हैं बेटा, योर कोर्स ड्यूरेशन इज 4 or maximum 4 to 4.5 years. उसके बाद बेटा यू विल then understand the respect that you will earn once you are a chartered accountant, once you have done your CS, CMA. उसके बाद बेटा आपको मालूम लगेगा कि जो आपने पिछले 4 or 5 years मेहनत की है, अब उसके क्या आपको results मिल रहे हैं. Okay? Next, I would like to say, don't be afraid of your failures. बेटा ऐसा होता है, कभी-कभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, सब हमने जैसा-जैसा faculties ने बोला है, plus उसके ऊपर भी आपने जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, फिर भी आपका exam clear नहीं होता. तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. अभी सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती है. अपने आप को फिर से जस्ट गेट अप एंड वंस अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. आपके बेटा ये सब एग्जाम्स तो दे ऑल विल कम आफ्टर 6 months, सो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. कि नॉट लाइक अदर कोर्सेज आपके एक एक साल के गैप में आ रहे हैं. सो सी ए स्टूडेंट बेटा आपके एग्जाम्स हर 6 months में आते हैं. अगर एक अटेम्प्ट ड्यू टू एनी रीजन जो जिसमें आपकी गलती नहीं थी आपका अटेम्प्ट रह गया है, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर. कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं तो लाइफ में आज तक फेल नहीं हुआ. बेटा फेलियर्स भी आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, कि आपको समझाएंगे कि कहाँ आपकी गलती थी और उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. वो सिर्फ आपको स्टडी में हेल्प नहीं करेगा, वो आपको एज आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपको बहुत हेल्प करेगा. कि अगर एक इंसान जब फेल होता है बेटा तो वो उन फेलियर से क्या क्या सीख सकता है. Okay? Keep going, as I always say. रुक, अगर आप फेल हो भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये सब चीजें चलती रहेंगी लाइफ में. सिर्फ इंपॉर्टेंट इज यू शुड ऑलवेज मूव, चाहे वो सीएस हो, सीएस हो या लाइफ में आपकी कोई भी और चीज हो, जस्ट कीप मूविंग ऑन. किसी भी एक चीज पे रुकिए मत. अगर जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ है तो कोई और स्ट्रैटेजी लगाइए. देखिए कि जो आपने पहले स्ट्रैटेजी लगाई उसमें कहां आपकी वीकनेस थी जिसकी वजह से वो चीज काम नहीं किया. आप अब नई चीजें देखिए, नए प्रोफेसर से अपने इंटरैक्ट कीजिए, अपना स्टडी पैटर्न को थोड़ा चेंज कीजिए, अपने थोड़ा जो जैसे भी आप पढ़ाई करते हैं बेटा अपने थोड़े स्केड्यूल में चेंजेस लाइए तो आप देखेंगे बेटा सब चीजें होंगी. बस यू हैव टू गिव देम टाइम. ओके, एंड लास्ट, वैल्यू योर टाइम. टाइम इज वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट. कि अभी नहीं पढ़ना है, कल पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, एक हफ्ते के बाद पढ़ लूंगा, एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ लूंगा. अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ बेटा पढ़ेंगे तो ये चीजें सिर्फ आपके दिमाग में एंड मोमेंट में टेंशन लेके आएगी, सिर्फ स्ट्रेस लेके आएगी और कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि लास्ट में सारा सिलेबस एक साथ करना वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए प्लीज स्टार्ट वैल्यूइंग योर टाइम ताकि आपके सब कोर्सेज बेटा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो और उसके बाद आप समझ सके कि जो आपने पिछले 3-4 years मेहनत की है उस मेहनत का अब क्या रिवॉर्ड है. ओके, as Juhi has already discussed, plus I would like to tell you once again बेटा online courses के अपने benefits हैं कि आप अपनी convenience के हिसाब से कर सकते हैं, जब चाहे आप देख सकते हैं, जब आप free हैं तब देख सकते हैं. There is a chance कि कभी कभी बेटा जब आप face to face classes लेते हैं आपको कहीं urgently जाना है जिसकी वजह से आपका class miss हो गया, फिर आपको backups के लिए बात करना होता है. So I think this is one of the most important पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्स की आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं. बट प्लस बेटा अगर ऑनलाइन कोर्स आपको एक कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिस इज एन इम्प्लाइड ड्यूटी ऑन यू कि आप अपना डिसिप्लिन अच्छे से बनाएंगे. वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यू कैन सी देम. जहां जब आपको समझ नहीं आया आप अपने लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं. ओके, फास्ट रिविजन बेटा, आपको लास्ट में फिर से एक और रिविजन करनी है, आप अपने लेक्चर को अकॉर्डिंग टू स्पीड पे देख सकते हैं सो दैट आपका एक 100% लास्ट रिविजन भी हो जाए. ओके, सो आई फॉर टू माई स्टूडेंट जो कि बेटा जो भी मुझसे पढ़ते हैं, मैं अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी प्लस सुपर प्रॉफ की जो टीम है बेटा सब लोग हैं आपको इस चीज में मदद करने के लिए. प्लीज सो डोंट हेजिटेट, जब भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप इन सब चीजों पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
okay? And then we have these webinar mode as well, जहाँ पे आप directly connect हो सकते हैं जिन faculty से आप पढ़ते हैं, आप directly उनसे अपनी बात कर सकते हैं, आप अपनी queries ले सकते हैं, so that हमें भी बेटा खुशी होगी कि आप लोगों से हम interact कर पा रहे हैं, कि कौन से students ऐसे हैं जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, so it is for both of us, it is a great opportunity. The webinars are a great opportunity for both of us. And at the end, I would like to say you all stay curious, keep learning. आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी बेटा. Just be patient and सिर्फ अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए. सब कुछ होगा. Just relax and आपकी जो study है बेटा, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए. अगर वो अच्छे से करेंगे, आप देखेंगे, आपको हर चीज का time मिलेगा, enjoyment का भी, आपकी जो otherwise hobbies हैं, उन सब का भी. So just stay curious, keep learning and keep growing. Thank you so much. Thank you, ma'am, for that wonderful session. We have a few questions. Aki is asking that he finds it hard to retain the information because of excess theory in the auditing subjects. Okay. So he wants to know some tips to study the subject. First of all, what is the name? Aki. Yes. Aki. Oh yeah. Hi Aki, how are you? I'm sure you are doing well. Beta, I would like to say you that there is nothing, जहाँ भी बेटा मैंने आपको अपने अभी इस प्रेजेंटेशन में भी समझाया, जहाँ बेटा आप कोई भी चीज को क्रैम करने की कोशिश करेंगे, प्लस लॉ है या फिर ऑडिट है, आपको बेटा कुछ भी लॉ की लैंग्वेज का याद नहीं करना है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. उसके बाद आपको करना क्या है बेटा, उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके लिखना है. अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा है मुझे वही का वो एग्जाम में लिख के आना है, तो बेटा ये आपका मिसकंसेप्शन है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, प्लस एक नॉर्मल बेसिक इंग्लिश में आपको अपने एग्जाम में उसको समझाना है. सो आई होप यू गॉट योर आंसर. इफ यू फर्दर हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. हेलो या Juhi, are you there? Yes, okay. There's another question yeah. now. I can see the chat window. Yes, ma'am. Okay. Should I see all the questions? Yes. So the last one is how to make short notes on audit as it is very helpful at the time of exam. Okay. बेटा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील वेन एवर यू स्टडी द बुक रेफरेंसेज दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस पीपीटी, आई थिंक वेन एवर यू आर स्टडिंग, आप लोगों को उसी टाइम पर बेटा जो भी कीवर्ड्स होते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके फैकल्टीज बताते हैं, जस्ट की ऑलवेज कीप अ हाईलाइटर विद यू, उन सब चीजों को हाईलाइट करते चलिए, सो दैट जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आपके और पास आ रहे हैं, आपको सारा का सारा मैटर दोबारा से रीड नहीं करना. यू जस्ट हैव टू रीड द हाईलाइटेड टेक्स्ट, प्लस बेटा उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा आपके ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उसके नोट्स बनते जाएंगे. प्लस बेटा जो भी आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पढ़ते हैं, वो जो भी आपको क्लास में करवाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है, ईदर टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट और जस्ट मेक योर ओन नोट्स एंड जस्ट बुक रेफरेंस. जो भी आप किताब को पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट की बुक है या और कोई बुक है, स्टार्ट हाईलाइटिंग जब भी आप उसकी फर्स्ट रीडिंग करते हैं, बिकॉज इन द फर्स्ट रीडिंग हम किसी भी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहीं पे आप अपने छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगाइए, सो दैट इट विल सेव योर टाइम जब आपके एग्जाम्स बहुत पास होंगे. So I hope ये आपको अपना आंसर मिला. Still you have any doubt, you can ask me doubt. Alright. Students, if you have any doubts, you can also raise hand so that we can enable the audio mode for you. आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन बोल के पूछना है तो आप जब बस रेज हैंड का ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे वो कर दीजिए, फिर हम आपका ऑडियो ऑन कर सकते हैं. अंजलि, आई थिंक यू हैड सम क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग, यू वर मैसेजिंग. मीनवेल मैम, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी, स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं हमसे कि जैसे हाउ शुड दे डिसाइड कि उनको ग्रुप एक ही ग्रुप लेना है या दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए एक अटेम्प्ट में, तो वो ओके बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो आप अपना फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करते हैं, चाहे वो सीए में हो सीएस में हो, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए जाते हैं, तो अगर मैं सीए की बात करूं तो देयर इज अ टोटल ऑफ 8 सब्जेक्ट्स, राइट, जिसमें आपके 8 के 8 सब्जेक्ट्स क्या होंगे बेटा, ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगे. मतलब लाइक सब्जेक्ट्स आर नॉट कोरिलेटेड, एक ऑडिट होगा, एक लॉ होगा, एक टैक्स होगा, एक अकाउंट्स होगा, तो
दोनों ग्रुप्स की जहां तक बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बेटा, सीइंग योर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड, अगर आप अपना स्कूल रिकॉर्ड देखिए या अपना फाउंडेशन देखिए, कि जब आपके सामने इतने सब्जेक्ट्स होते थे तो क्या हैव यू एवर फेल्ट बर्डन्ड? अगर आपको लगता है कि बेटा बहुत ज्यादा बर्डन है, तो मेरा ऐसा मानना है स्टार्ट विद जस्ट वन ग्रुप. अगर आपको अगले 2 या 3 महीनों में लग रहा है कि मेरा ग्रुप 1 सही से मैनेज हो रहा है, मैं सारी चीजें अच्छे से कर पा रही हूँ, देन गो फॉर द ग्रुप. इतनी जल्दी उस चीज को एकदम फास्ट मत कीजिए कि मुझे दोनों ग्रुप्स ही देने हैं, सब अभी सब लोग दोनों दे रहे हैं. बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि सबकी बेटा हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर कोई अलग लेवल से पढ़ाई करता है. तो आई थिंक अगर आपको अपना पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड देख के लगता है कि मैं इतना सारा बर्डन एक साथ नहीं ले सकता, तो फर्स्ट गो फॉर ग्रुप 1. अगर ग्रुप 1 की कोचिंग आपने अच्छे से की है, 2 या 3 महीने आप अच्छे से पढ़ाई किया है और आपको लग रहा है कि मेरा ग्रुप 1 एकदम सही तरीके से चल रहा है, देन आफ्टर 2-3 months पिक अप द ग्रुप 2 एज वेल. ऐसा मेरा मानना है कि जो आई हैव ऑल्सो गिवन बोथ द ग्रुप्स एट इंटर लेवल एंड एट सेमीफाइनल लेवल्स, तो मैंने बेटा ऐसा ही किया है. पहले 2-3 महीना मुझे लगा आई शुड प्रिपेयर फॉर द ग्रुप 1 एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फॉर ग्रुप 2 एंड आई थिंक इट वर्क्ड वेरी, ये मेरे लिए बहुत सही काम किया था एंड अकॉर्डिंगली मैंने दोनों ग्रुप्स दिया था और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था. ओके, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? Ma'am, there is another question by Anjali. How to recollect auditing standards as it is a vast topic? Okay. बेटा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो जो आपकी इंस्टीट्यूट की बुक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा मैटर है. उसमें लाइक एवरी स्टैंडर्ड को मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है. इफ आई से एट द इंटर लेवल it is not that much required. उसके लिए मैंने आपको एक reference book भी बताई बेटा, CA सुरभि बंसल की बुक आती है, उनकी बुक में अगर आप देखेंगे तो सबके सब standards जो है बहुत ही ज्यादा compact way में समझाए गए हैं, plus साथ के साथ knowledge terms में उसमें से कोई भी चीज missing नहीं है. I don't know whether you have opted for my audit course or not. So मैं आपको उसी तरीके से समझाने वाली हूँ. बाकी बेटा अगर आप कहीं किसी और प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि ना आप सुरभि बंसल की मैम की बुक को रेफर कीजिए. उसमें आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स, सपोज इफ आई से अबाउट स्टैंडर्ड एसए 200, यू विल जस्ट फाइंड द एंटायर एसए 200 ऑन वन पेज एंड ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उसमें से कुछ भी मिसिंग होगा. उसके पूरे प्रॉपर चार्ट्स बने हुए हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर ऑल कंप्लीट. हां जी, एनी अदर डाउट बेटा? मैम आई थिंक दैट इज इट ऑन द डाउट्स पार्ट टुडे. Okay, it was wonderful connecting with you all. I hope we'll have this kind of webinars once again. By this way, we are able to connect with you all. So keep asking, Mira, keep asking all your questions. We are here for you all. And thank you, SuperProfs and Jyoti, for making me connect with all my students. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your valuable time and associating with us. Yeah, okay, thank you. Okay, guys, bye-bye, take care. And study smart, study hard, and enjoy as well.